छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग में 500 करोड़ से ज्यादा की राशि का घोटाला सामने आया है। ये खुलासा करने का दावा किया है एक आरटीआई कार्यकर्ता ने, जिसने दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाए हैं कि तमाम दस्तावेज सामने आने के बाद भी जांच में लीपापोती करके दोषियों को बख्शने की कोशिश की जा रही है। ये घोटाला निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और बुजुर्गों को मिलने वाली राशि में हेरफेर करके किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला के मुताबिक इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब चार जिलों के कलेक्टर ने अपने अपने जिलों में समाज कल्याण विभाग से संचालित मदद और योजनाओं में की जा रही गड़बड़ियों को पकड़ा था, लेकिन अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पेंशन निकाल ली जाती है फर्जी एनजीओ बना के, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सीनियर आईएएस हैं, फर्जी एनजीओ बना के अरबों रुपए डकार जाते हैं। तो देखिए, मामला अपने आप में सिद्ध है, इसमें आरोप नहीं। और हमारा तो यह मांग है कि जो दोषी अफसर हैं, दोषी जो ब्यूरोक्रेसी है, दोषी जो आईएएस हैं, उनको इस पूरे मामले पे जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेकर हमने पीएम से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, और ऐसा लगता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिन्होंने छत्तीसगढ़ की विधवाओं को लूटा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के वृद्धजनों को लूटा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दिव्यांग बच्चों तक। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्या, 500 करोड़ से ज्यादा की राशि का यहाँ पर घोटाला है, कितने लंबे समय से घोटाला चल रहा था और ध्यान नहीं गया है, अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, फिलहाल 109 करोड़ के घोटाला का उजागर हो चुका है और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने पूरा प्रदेश भर में अगर जांच करें तो 500 करोड़ के घोटाले का दावा किया है। तो इस तरह ये घोटाला अभी का नहीं है, 3 साल 4 साल से ये लगातार जारी है। और समाज कल्याण विभाग है जो दिव्यांगों का पेंशन का, बुजुर्ग पेंशन का, वृद्धा पेंशन का, ये तमाम जो फंड और मद है जिसमें घोटाला करते हुए एनजीओ के नाम पर बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ने ये घोटाला किया है, जिसमें निराश्रित पेंशन में ही अकेले ही 84 लाख रुपए और 20 करोड़ का घोटाला है। तो इस तरह के ये तमाम घोटाला जारी है, ये पूर्व सरकार में भी हो रहा था और इस सरकार में भी यह काला खेल जारी है। और ये कहीं ना कहीं छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी के मिलीभगत से दोनों के पराश्रय में हो रही है। जब ये चार जिलों के कलेक्टर ने इस मामला को पकड़ा कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है, लोगों ने शिकायत की, जांच की है, तो उसमें ये पाया कि ये गड़बड़ी हो रहा है, इसमें घोटाला हुआ है, उसके बावजूद भी गड़बड़ी पकड़ने वाले कलेक्टर ने इनको बख्श दिया है, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके दस्तावेज के साथ क्यों बख्श दिया है? कोई दबाव है? कोई दबाव है जिस वजह से बख्शा गया है? इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर हम देख रहे हैं और जो जिनकी मिली भगत है उन्हें बख्श दिया गया है? जी बिल्कुल, इसी का फिर से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसको उठाया एक मुहिम की तरह। इसमें वो चाहते हैं कि जो इससे जितने भी संलिप्त अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर वो सीएम से लेकर विभागीय मंत्री और तमाम उच्च अधिकारी। आपको रोकना चाहूंगी, आईटीआई कार्यकर्ता कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जिस तरह से हम खबर देख रहे हैं रायपुर की, जहाँ पर चार जिलों के कलेक्टर ने संयुक्त जांच के बाद अब ये घोटाला इतना बड़ा पकड़ा है, अब क्या लगता है आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार लीपापोती की खबरें ज्यादा सामने आ रही हैं। नहीं देखिए, निश्चित रूप से घोटाला जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक बड़ा है घोटाला। तो अभी जो हमारे सामने आया वो मात्र 109 करोड़ की रकम का है, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की अगर जांच हो जाए, उसमें अच्छे से इंक्वायरी बैठ जाए, तो लगता है कि पूरा का पूरा घोटाला 500 करोड़ की भारी भरकम रकम का निकले। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो निराश्रितों के हिस्से की रकम थी, जो वृद्ध थे, जो निशक्त जन थे, जो दिव्यांग, जो बच्चे थे, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो परित्यक्ता महिलाएं थी, उनके हिस्से की रकम में यह टाका डाला जाता है। उनके हिस्से की रकम से जो है महंगी चमचमाती गाड़ियां खरीद ली जाती है, उनके हिस्से की रकम से महंगी हवाई यात्राएं की जाती है, उनके हिस्से की रकम से जो है गबन कर लिया जाता है, और कोई भी कार्रवाई आज तक होती दिखती नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि कलेक्टरों ने जब घोटाला पकड़ा तो सिर्फ और सिर्फ विभागीय जांच करके जो समाज कल्याण विभाग के दोषी अफसर हैं। पर कुणाल जी, ऐसा क्यों, दोषियों को बख्शने की कोशिश क्यों की जा रही है यहाँ पर, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ है? देखिए, मुझे जो जहाँ तक समझ आता है कि ये जो हिस्सा बंटवारा जो था ये ऊपर से लेके नीचे तक बना हुआ था, इसमें कई सीनियर आईएएस जो है छत्तीसगढ़ के वह शामिल है, और जो सीनियर आईएएस है आज भी मलाईदार पदों पे जमे हुए हैं और आज भी उनका जो वक्त है, उनका रसूख है, वह कायम है, प्रभावित कर रहे हैं सब चीजों को। तो मुझे लगता है कि इसलिए कार्रवाई नहीं होती है और जो दोषी अफसर है
जेल की सलाखों के पीछे नहीं जा पाते, और छत्तीसगढ़ी जो दिव्यांग है, निशक्त जन है, निराश्रित है, विधवा महिला है, वृद्ध है, उनके हिस्से की जो जो हक था उनका वो लूट लिया जाता है। उम्मीद करते हैं कुणाल जी कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जिस तरह से आपने इतने बड़े घोटाले को उजागर किया है और जो आपके अंदर जज्बा है, आगे भी कार्रवाई हो, वाकई वो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। सत्या भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।